18 सितंबर को 12,460 शिक्षक भर्ती में क्या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से, इस सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपके मन में कोई राय है नई शिक्षा नीति, संविदा कर्मी या 12,460 या 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित आप अपनी आवाज़ को उठाना चाहते हैं और कुछ कहना चाहते हैं, तो तुरंत इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ पर एक ऑडियो आप अपना रिकॉर्ड करके ज़रूर भेजें, अपनी बात को कहें और उस बात को वीडियो के माध्यम से चैनल पर पोस्ट किया जाएगा ताकि आपकी बात सरकार तक जरूर पहुंचे। सबसे पहले हम आपको सूचना दे दें कि 12,460 की सूने जनपद की जो सुनवाई है उसके लिए यहां पर 18 सितंबर को फाइनल केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जिसके लिए टीम मेंबर्स अधिवक्ताओं के साथ लगातार तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी हैं। दिल्ली वो पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए और तैयारियां कर रहे हैं अधिवक्ताओं के साथ कि किस प्रकार से शून्य जनपद को न्याय दिलाया जाए। और जो विपक्षी पार्टी हैं जिन्होंने अप्लीकेशन दायर की है कि इस केस को वापस हाईकोर्ट भेजा जाए, उसको किस प्रकार से दरकिनार किया जाए, उसे पूरी तरह से हटा दिया जाए और उसके खिलाफ उन सभी से लड़ते हुए जीरो जनपद के जो महत्वपूर्ण परेशान हुए अभ्यर्थी हैं जो लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी यहाँ पर पीड़ा सही है, उन सभी को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र प्राप्त हो सके, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है टीम के द्वारा। तो इसका निर्णय, इसका जो भी कार्य है वो आपको देखने को मिलेगा 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में दोपहर तक कि क्या कार्य हुआ है, उसका जो निर्णय है वो भी आपको उसी दिन देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में आप समझ गए हैं कि तैयारियां शुरू हैं और जल्द ही इसकी सुनवाई होगी, कल नहीं परसों इसकी सुनवाई होगी, वहाँ से आपको एक निश्चित आदेश देखने को मिलेगा क्या मिल सकता है। देखिए दो चीज़ें हैं, अगर जज महोदय चाहेंगे और वो इस केस को उन्होंने पहले ही एक्सेप्ट किया है तो वो इस केस को सुनेंगे और फाइनल के लिए इसको रिजर्व करेंगे। अगर विपक्षी पार्टी की जो अप्लीकेशन है जहां पर कहा गया है कि ये केस पहले से इलाहाबाद या लखनऊ बेंच में पेंडिंग है, वहां इन्हें भेजा जाए, डिसमिस किया जाए यहां से, अगर उनकी अप्लीकेशन को ये स्वीकार करते हैं तो इस केस को दोबारा भेजा भी जा सकता है। लेकिन पूरी टीम की कोशिश है कि ऐसा कुछ ना हो। आगे की जानकारी के लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखें ताकि हर जानकारी आपको मिलती रहे।